ब्रेक के बाद बात करेंगे शैरी कैप्टन और पंजाब की। पंजाब कांग्रेस में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। जब कांग्रेस में मचे घमासान के समाधान के बीच पार्टी के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे। रावत पंजाब के चार मंत्रियों और करीब दो दर्जन विधायकों द्वारा सीएम कैप्टन अमरिंदर का विरोध करने से पैदा हालात पर चर्चा करने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही वो प्रमुख रूप से सीएम कैप्टन अमरिंदर और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद के खात्मे को लेकर भी कोशिशों को लगातार जारी रखे हुए। हरीश रावत दोनों नेताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि रावत पिछले दिनों सिद्धू के ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर भी उनसे जवाब मांगेंगे। तो शैरी कैप्टन और पंजाब में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है उसको लेकर ताजा स्थितियों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे सहयोगी विनोद गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से हमारे साथ है। जी विनोद जी, सबसे पहले यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, तमाम विवाद देखे गए हैं और एक लंबे समय तक विवाद चलने के बाद कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष पद दिया गया था, लेकिन अध्यक्ष पद मिलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा, क्या कुछ स्थिति है? और साथ ही साथ हरीश रावत अब जब पहुंचे हैं पंजाब तो किस तरह से हल निकलेगा इस समस्या का? जी, अगर बात की जाए पंजाब कांग्रेस के घमासान की, तो पिछले लंबे समय से जो घमासान था थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले सवा महीने पहले जब नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का पीसीसी प्रधान बनाया गया था तो शायद ये माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा, परंतु शायद ये विवाद घटने की बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। पीछे चार विधायक और तीन मंत्री प्रभारी हरीश रावत से उनके निवास देहरादून जाते हैं मिलने के लिए, तो कैप्टन को हटाने की बात करते हैं। वहाँ पे हरीश रावत बयान देते हैं कि जो चुनाव लड़ा जाएगा वो कैप्टन की अगुवाई में लड़ा जाएगा, जिस वजह से सिद्धू खेमे के जो नेता है, जो मंत्रीगण है, जो या बात की जाए विधायक है, वो नाराज हो जाते हैं। कल मंगलवार को हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे हैं। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह और कुलजीत नागरा और पवन गोयल से मुलाकात की, उनसे मुलाकात की है। तो उनसे चूंकि बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू खेमे में जो प्रगट सिंह है महासचिव भी है पंजाब कांग्रेस के, तो वो नाराज नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने उनसे बात की, आपने जो बयान दिया था जो चुनाव लड़ा जाएगा वो कैप्टन की अगुवाई में लड़ा जाएगा, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो बयान है वो मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो आज बयान दिया है, कहता जी अगर चुनाव लड़ा जाता है पंजाब के अंदर तो केंद्र के अंदर भी चाहे सोनिया गांधी है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे राहुल गांधी है, या फिर नए चेहरे की बात की जाए, पंजाब के चेहरे की बात की जाए, नवजोत सिंह सिद्धू है या कैप्टन अमरिंदर सिंह, और प्रगट सिंह का नाम भी लिया है, ये बड़े चेहरे पंजाब के, इनके किसी पे भी, क्योंकि जो पंजाब कांग्रेस का जो रूल रहा है वो कहते जो अलग ही रहा है वो सबको पता है, इसलिए चेहरा कोई भी हो सकता है, अभी इसको पेश करना अभी वाजिब नहीं होगा। तो यही कारण है आज 12 बजे के बाद लगभग मुख्यमंत्री से प्रभारी हरीश रावत जो मुलाकात करेंगे और इस मुद्दों पर, सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल विनोद जी, जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं बनाया गया था पार्टी का पंजाब में, तो माना यह जा रहा था कि ये प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाए गए हैं ताकि इस पूरे घमासान का खात्मा किया जा सके। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक कैप्टन और शैरी के बीच में संबंध ठीक भी नजर आए, एक दो मंचों पर मुलाकात में साथ नजर आए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का विवाद बार बार सामने आ रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या वजह है कि पार्टी का आलाकमान लगातार इस मामले पर बीच में आते हुए भी पंजाब का ये मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा? जी, जिस हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी पंजाब का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तो शायद माना जा रहा था कि विवाद अब खत्म हो जाएगा, और हरीश रावत ने भी कल एक बात कह दी थी कि जो भी पंजाब कांग्रेस का प्रधान होगा वो आने वाले चुनाव का भी करता धरता होता है और वही डिसाइड करेगा कि चुनाव में जो चुनाव कमेटी होगा या चुनाव के जो कार्यकारी रूप होगा वो किस तरह तैयार होगा। मुख्यमंत्री केवल एक सहयोग के तौर पर काम कर सकता है, परंतु जिस हिसाब से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बयान आ रहे हैं ईंट से ईंट लड़ाने के लिए, इस पर आपत्ति जताई थी पंजाब कांग्रेस के आनंदपुर साहब से है मनीष तिवारी सांसद, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि वो एक शायरी अंदाज में कहा था, वो हम आह भी भरते हैं तो चर्चा नहीं होती, चर्चा हो
चर्चा हो जाती है, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो सिद्धू पे तंज कसते उन्होंने ये इस तरह का एक बयान दिया था, जो कि मनीष तिवारी खेमे से माने जाते हैं अमरिंदर सिंह के। तो यही कारण है कि विवाद थमने के बजाय कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के अंदर की बात की जाए तो, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के हो, चाहे कैप्टन के खेमे के, कहीं ना कहीं के बयान जो तीखे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में नुकसान होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो नुकसान होगा, लेकिन इस लड़ाई में कद किसका बढ़ता है ये आगे आने वाला समय बताएगा। क्या नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं इस घमासान के साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश में अपना कद बढ़ाने की कवायद में भी लगे हुए हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार शेरी कैप्टन और पंजाब में जिस तरह का घमासान मचा हुआ है उसको लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। देखना ये होगा कि हरीश रावत पंजाब पहुंचकर किस तरह से समस्या का हल निकालते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ सबका विकास।